आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में सबूतों को गायब करने और गलत सूचना देने के लिए आईपीसी की एक और धारा जोड़ दी है। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 201 अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना जोड़ी गई है। उन्होंने बताया कि धारा 201 में अपराध में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है। बता दें कि विभव कुमार के खिलाफ 16 मई को गैर इरादतन हत्या करने की कोशिश करने समेत आईपीसी की कई संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वो सीएम केजरीवाल से मिलने गई थी तब विभव कुमार ने उन पर पूरी ताकत से हमला किया, उन्हें थप्पड़ मारे और लात मारी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक 18 मई को केजरीवाल के आवास से गिरफ्तार किए जाने के वक्त विभव कुमार का मोबाइल फोन फॉर्मेट पाया गया था। दिल्ली लौटने से पहले वो मुंबई में थे। पुलिस विभव कुमार को दो बार मुंबई ले गई थी। अधिकारी ने कहा कि उन पर शक है कि उन्होंने मुंबई में ही अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने इसे कहां फॉर्मेट किया या उन्होंने डेटा किसके साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान विभव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया। एक और पुलिस अधिकारी के मुताबिक केजरीवाल के आवास से 3 सीसीटीवी डीवीआर इकट्ठा किए गए थे, 2 एंट्री गेट पर लगे कैमरों से और 1 ड्राइंग रूम के बाहर से था। डीवीआर को फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया था क्योंकि शक था कि इनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर आपकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। उन्हें पिछले शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बता दें कि आबकारी शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं और स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल के पीए विभव कुमार भी तिहाड़ जेल में। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।